राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, अस्थि के मन में भी उतना ही प्रेम है जितना कृष्ण के प्रियजनों के मन में है। अस्थि के भांति वृंदावन में सभी चिंतित हैं कृष्ण के वनवास को लेकर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, वृंदावन में पहले प्रेम का रस हर क्षण उल्लास था, किंतु देखिए ना महादेव, राधा कृष्ण के जाने से जैसे वृंदावन का सारा आनंद ही ओझल हो गया है। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, प्रभु श्री राम के अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के जाने के समय अयोध्यावासी भी इसी प्रकार से दुखी और पीड़ित थे। आज वृंदावन वासियों की ये दशा देखकर मुझे अयोध्या का वो दृश्य स्मरण हो रहा है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, अयोध्या को तो श्री राम की 14 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, किंतु राधा और कृष्ण कितनी प्रतीक्षा कर पाएंगे, ये किसी को ज्ञात नहीं है महादेव, कब लौटेंगे वो अपने इस वनवास से। और फिर महादेव कहते हैं, प्रभु श्री राम या मेरे आराध्य श्री कृष्ण, दोनों संसार को यही संदेश देते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अटूट पीड़ा का अनुभव हो और विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग दिखाई ना दे रहा हो, तभी वो क्षण आता है जब वो सत्य को पूर्ण रूप से समझने को सज्ज हो जाता है। प्रत्येक सुख का मार्ग प्रत्येक दुख से होकर ही जाता है। परंतु आप चिंतित ना हो देवी, मेरे आराध्य कहते हैं ना, सुख और दुख तो इस जीवन का सार है, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, राधा से वैसे ये वनवास इतना भी बुरा नहीं है, मुझे लगा था कि राधा रानी की कितनी मांगे होंगी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, अब लगता है कि मैं सब संभाल लूंगा। और फिर राधा कहती हैं, अच्छा, स्वयं को तो प्रत्येक दिवस नया बना माखन खाना होता है, बड़े या राधा रानी की मांगों के विषय में बात करने आए। और फिर कृष्ण कहते हैं, किंतु कोई कारण है जो सदैव सब आपको राधा रानी कहते हैं, और कारण यह है कि आपकी मांगे ही इतनी हैं, कृष्ण मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, अब कृष्ण करे तो क्या क्या करे। और फिर राधा कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मांगे हैं तो मेरा कृष्ण भी तो मेरी मांगे पूर्ण करता है ना। और फिर कृष्ण कहते हैं, सत्य कहूँ तो चाहता भी हूँ कि तुम्हारी मैं हर मांग पूर्ण करूँ, हर इच्छा मैं तुम्हारी पूर्ण कर पाऊँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, राधा से महल तो नहीं बना है, किंतु जो भी है तुम्हें कदाचित अच्छा लगे। और फिर कृष्ण राधा से पूछते हैं, बताओ कैसा बना है। और फिर राधा कहती है, राधा रानी के लिए तो प्रत्येक स्थान महल के भांति सुंदर है जहाँ कृष्ण उसके साथ है। और कहती है आगे राधा, अब जब तुम यहाँ मेरे साथ हो तो ये स्थान मेरे लिए पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान है। और फिर कृष्ण पूछे, तो तुम्हें ये अच्छा लगा ना। और फिर राधा कहती है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। और कहती है राधा, हम दोनों ने मिलकर इसे जो बनाया है। और कहती हैं आगे राधा, वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती थी बिना किसी समस्या के, विशेषकर सखियों के कारण, वो तुम्हें छोड़ने के लिए सज्ज ही नहीं थी। और फिर राधा कहती हैं, बस केवल एक ही बात के लिए आकुल हूँ मैं, वहाँ वृंदावन में सब कितने दुखी होंगे कृष्ण। और फिर कृष्ण कहते हैं, दुखी तो हैं सब किंतु। और तभी राधा कहती हैं, किंतु हम सबकी सुरक्षा का क्या। और फिर कृष्ण कहते हैं, वहाँ दाऊ है राधा, और दाऊ के होते हुए अरिष्टासुर कुछ नहीं कर सकता, चिंता मत करो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, अरिष्टासुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके कारण काना और राधा को वनवास जाना पड़ा, और ये यहाँ शांति से रहे ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, कोई तो मार्ग निकालना होगा इस अरिष्टासुर का खेल समाप्त करने के लिए। और फिर दाऊ स्मरण करते हैं और कहते हैं, मिल गया मार्ग, अब तक इस अरिष्टासुर ने बलराम का क्रोध देखा है,
अब ये देखेगा शेष का बल। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस कहता है प्राप्ति से अवस्थासुर को कोई नहीं रोक सकता, शीघ्र ही मेरे पास उस कृष्ण की मृत्यु का समाचार आने वाला है। और फिर कंस कहता अपने सेनापति से क्रूर से अरिष्टासुर को वृंदावन से मुक्त कराओ, इससे कि वो कृष्ण के पास पहुंचकर उसे मार सके, क्योंकि कृष्ण अभी वृंदावन से दूर है। और कहता है कंस, और हाँ इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ। और कहता है मैं अभी अरिष्टासुर को नंद के घर से मुक्त करने का प्रबंध करता हूँ महाराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि प्राप्ति कहती है बधाई हो महाराज, प्रतीत होता है कि आपकी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। और कहती है प्राप्ति हमें एक बड़ा सा उत्सव आयोजित करना चाहिए, सबको पता तो ये चले कि महाराज कंस कितने शक्तिशाली हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महाराज कंस कहते हैं हम अवश्य ही अपनी विजय का उत्सव मनाएंगे। और कहते हैं कंस, परंतु इस विजय में अस्थि का बहुत बड़ा हाथ है। और कहता है कंस, क्योंकि उसने कृष्ण की मृत्यु और मेरी विजय को लेकर तपस्या की थी। और फिर तभी प्राप्ति कहती है बताओ ये महाराज को क्या हो गया है, बिना किसी कारण मेरी मूर्ख बहन को सारा श्रेय दे रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अस्थि प्रार्थना कर रही होती हैं और कहती हैं मुझे ज्ञात है कि कृष्ण ने मुझे ये तप करने को कहा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अस्थि कहती हैं धन्यवाद कृष्ण मेरा मन शांत करने के लिए, मैं कदाचित कृष्ण के बारे में कुछ भी अनुचित नहीं मांगूंगी और अब किसी बात का भय नहीं है मुझे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। और फिर कृष्ण कहते हैं बस मथुरा में कोई मुस्कुराया और बस उसकी प्रसन्नता मैंने अनुभव की और मैं प्रसन्न हो गया। और फिर राधा कहती हैं अच्छा कौन। और फिर कृष्ण कहते हैं आप राधा रानी हैं, स्वयं पता लगा सकती हैं। और फिर राधा ज्ञात करती हैं। और फिर राधा कहती हैं मैं समझ गई कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।